मैट्रिक्स की जो डाउट हैं वो ले लेते हैं हम लोग, हाँ कर लेते हैं। अभिषेक तुम्हारे भी हैं कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस किए हो, क्वेश्चंस किए हैं? कोई बात नहीं, जो जो क्वेश्चन है देखिए, पहले तुम्हारा एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन आपने पूछा इसमें, लिखा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है आपको, क्या इसमें 7 है, 0 है, 2 है और क्या है 5 है, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है आपको, 3 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है 3, यही है ना क्वेश्चन, इक्वेशन ये है पहला। अब देखो इस मैट्रिक्स को सॉल्व, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मानूँ, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हमने प्लस कर दिया तो क्या होता जरा देखना, दोनों एक्सप्रेशन को अगर हमने प्लस कर दिया होता तो क्या होता जरा देखिए, यहाँ से दोनों एक्सप्रेशन अगर हमने प्लस कर दिया तो वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसल, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, आया 2x, ये इक्वल टू में क्या होगा, आप दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 0 में 0 को ऐड करेंगे 0 ही आएगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 ही आएगा, 5 में 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं पूरे एक्सप्रेशन को तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, अब पूरे एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे इसके, 5, 0, 1, 4, ये x आ गया। अब तो हम ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दे तो y भी आ जाएगा, एक तो तरीका ये है ही तुम्हारे पास। दूसरा तरीका क्या है कि अब मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दूं, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं मैं, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सबट्रैक्ट कर दूं, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो x से x कैंसिल होगा, y प्लस y हो जाएगा ये 2y, अब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो 7 में से 3 को माइनस करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, 7 - 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वहाँ क्या होगा 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 ही आएगा, 2 ही आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, y की वैल्यू चाहिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखो 2, 0, 1, 1, ये y की वैल्यू आ गई, समझ गए। हम x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख सकते थे, वहाँ से भी वैल्यू आ जाती है, लेकिन हम सबट्रैक्ट कर देंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बस वो मैट्रिक्स दिया है RHS में नंबर के प्लेस पे, ठीक है हो जाएगा। ये एक डाउट ये था तुम्हारा, एक डाउट ये है तुम्हारा इसमें, आपने पूछा कि एक मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू दिया है, ठीक है ये समझ में आ गया ना, अब इसकी PNG सेंड कर देंगे, परेशान मत। एक क्वेश्चन है आपका इसमें, आपने पूछा इसमें एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है आपके लिखे हैं 4x + 2, और इसमें दिए हैं आपके 2x - 3, और क्या है भैया x + 1 है, ये दिया है आपको, कह रहा है मैट्रिक्स ए अगर आपका सिमेट्रिक है तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालनी है लेकिन कंडीशन दिया है कि ये मैट्रिक्स क्या है हमारा सिमेट्रिक है, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तभी हो पाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, अगर मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा ए के ही बराबर होगा, मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज कर देना होता है इनकी पोजीशन, रो को किस में कर देंगे कॉलम को, या कॉलम को किस में कर देंगे रो में, तो ए का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ए के बराबर आएगा, तो ए का ट्रांसपोज लेंगे देखो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ 4 और यहाँ क्या आ जाएगा x + 2, ट्रांसपोज ले रहा हूँ ना दोस्त, और यहाँ क्या आएगा 2x - 3, और फिर नीचे क्या आएगा ए के ही इक्वल है, और ए में क्या है 4x + 2, और क्या है 2x - 3, और क्या है x + 1, ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है ना, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिए, ये लिख दिया हमने, और ये मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आता है, मैट्रिक्स ए जो है लिख दिया हमने। बेटा ये कॉन्सेप्ट है ना अपना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के ही तो बराबर आएगा, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया ये आ गया, और ये ए के ही बराबर आएगा। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये 4 है तो ये 4 है, ठीक है चलो, मतलब ये वाला एलिमेंट भी तो इसके इक्वल होगा, अब हर जगह से वही ही आएगा, देखो यही सेम चीज़ है कि नहीं, x + 2, 2x - 3, यहाँ से x + 1, x + 1, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इक्वेट कर लो इन दोनों को, इक्वेट करेंगे क्या होगा देखो 2 - 3 x 2x - 3 इक्वल टू क्या होगा x प्लस,
एक्स इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा एक्स। कभी कभी कहेगा स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए कर देना, फिर वही इक्वेट करना है, ऐसे सॉल्व करना है तरीका। स्क्यू सिमेट्रिक भी दे सकता था ना, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते सभी एलिमेंट में, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देते आ जाता। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील करना। समझ आ गई अपनी बात, क्लियर है, कोई डाउट? और क्या है डाउट तुम्हारे? ये हो गए कुछ क्वेश्चंस में है तुम्हारे, एमसीक्यू में भी डाउट है, ये कुछ पूछ रहे थे ना बुक का भी, कुछ पूछ रहे थे, कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, देखिए ये समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका इसमें, आपने पूछा मैट्रिक्स ए दिया है, एक एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक की जो एलिमेंट है वो क्या है दिया, देखिए एक एलिमेंट है 10 माइनस 1 10 माइनस 1 और दे रखा है इसमें 3 4 5 3 4 5 और क्या है 0 माइनस 6 माइनस 7 0 माइनस 6 और क्या है माइनस, क्या ना इसमें ये मैट्रिक्स ये है, पहले तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये निकालना है एंड वेरीफाई द थ्योरम, ये थ्योरम हमें वेरीफाई करना है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3, ये हमें वेरीफाई करना है। पहले तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमें निकालना है, फिर थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है, कौन सा थ्योरम, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ए इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ ए आई 3 है ना, 3x3 की मैट्रिक्स है तो i3, ये हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन ठीक है चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन में जो भी है। पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो पहले a11 निकालें हम, a11 क्या होगा माइनस 1 की पावर वही 1 प्लस 1 याद है, फिर पहले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं भाई, पहला रो पहला कलम छोड़ो, बचा क्या आपके पास 4 माइनस 6 5 और माइनस 7, तो माइनस 7 इंटू 4 करोगे क्या आएगा माइनस 28 और ये प्लस 30 प्लस 2 आएगा बेटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 2 ही आ जाएगा, a12 करोगे कितना आएगा दो जरा बताना, a12 करेंगे मतलब इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा ना क्योंकि माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3 आएगा, माइनस 1 तो आएगा, ये रो है ये कॉलम है छोड़ो 3 0 5 माइनस 7 तो माइनस 27 होगा, माइनस 21 होगा ये, बाकी जीरो आएगा तो माइनस 21 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सिर्फ 21 आ जाएगा, a13 निकालो दोस्त, और ये तो होगा इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, रो यही है कॉलम छोड़ो माइनस 18 आएगा, यहाँ तो प्लस 1 आएगा, ये माइनस का 18 आ जाएगा माइनस की 18। a21 की बात करें आप, ये रो है ये कॉलम है छोड़ो, बचा क्या 0 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 आएगा ना तो प्लस हो जाएगा 6, ये 2 2 निकाला जाए मतलब इसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 1 0 माइनस 1 7, अब ये माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 7, 0 को माइनस 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ तो 1 ही आएगा, 1 इंटू क्या हो गया माइनस 7, माइनस 7 ही आ जाएगा, 823 की अगर हम बात करें तो 83 में क्या आएगा 5 ये है छोड़ो इसको, हाँ 1 0 0 माइनस 6 0, नहीं बेटा माइनस 1 आएगा माइनस 6 आ जाएगा प्लस के, और क्या आएगा जरा बताना, ए 3 1 की बात करोगे तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना दोस्त, तो 1 इंटू प्लस के 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये त्रुटि की बात करेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ क्या आएगा जरा बताना फिर, हाँ 1 5 हो गया प्लस 3 8 हो गया, 8 माइनस के 8 आ जाएगा, ये 3 3 की अगर हम बात करेंगे तो वो फैक्टर्स हैं लिख रहे हैं ये सी ध्यान रखना, और 833 की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ और ये 1 आएगा 4 आ जाएगा, बहुत क्लियर है ठीक है। अब एक मैट्रिक्स बी बनती है यहाँ से, एक मैट्रिक्स क्या बनती है हमारी,
तो फैक्टर मैट्रिक्स बनती है ना जो हमारी, तो मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या आएगा, वही जो एलिमेंट हमने निकाले हैं अभी रखेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री हो गया। अब यहाँ इनके एलिमेंट रखेंगे तो एलिमेंट क्या क्या हैं, टू है, ट्वेंटी वन है, माइनस के एटीन है, और सिक्स माइनस सेवन और क्या है, सिक्स है, फिर है आपका फोर माइनस एट, फोर ही तो है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा, बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होगा इसका ज़रा बताना, लिख दो टू, हाँ लिख दे ठीक है, टू सिक्स फोर, ट्वेंटी वन माइनस सेवन माइनस एट और माइनस एटीन, सिक्स और ट्रांसपोज ले लिया। अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए में कोई दिक्कत, मॉड ऑफ ए भी निकाल लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है, ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है, तो मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा, एक को मल्टीप्लाई करके मैं दिखा दे रहा हूँ, दूसरा कर लेना अपने में, याद है जरा दिखाता हूँ। मॉड ऑफ ए तो निकाल ही लोगे, मॉड ऑफ ए देखो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड इसका निकालो ना, डिटर्मिनेंट, हाँ अरे पहले यही ले लो ना, पहले का ले ले हो तो कैसे करते थे मल्टीप्लाई, याद है ए वन वन, ये तो इस मल्टीप्लाई करोगे ए वन, तो वन इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा ए वन वन, फिर क्या हो जाएगा और क्या है यहाँ ज़ीरो, ए वन टू प्लस माइनस वन है, ए वन थ्री, मल्टीप्लाई कर लो, ए वन वन की वैल्यू कितनी आई है ज़रा देखना, यहाँ टू आई है, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, हटाओ माइनस वन को, ए वन थ्री, ए वन थ्री की वैल्यू कितनी आई है माइनस एटीन है, प्लस एटीन आ जाएगा, क्या जाएगा कितना हमारा ट्वेंटी आ गया, ठीक है क्या है ना। अब जरा देखना, अब ये निकालना है अपने को, अब यहाँ देखना, तो आर एच एस में तुम्हारा लिखा है मॉड ऑफ ए इंटू आई थ्री, मॉड ऑफ ए इंटू आई थ्री, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड इसका कितना गया, डिटर्मिनेंट का ट्वेंटी है, आई थ्री का मतलब कितना हो गया वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन, अब 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हर जगह 20 0 0 0, बस यही है क्या आर एच एस का। अब देखना इन दोनों में से जिसको कहो उसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पहले को करते हैं एड ज्वाइंट ए करते हैं भैया, ए एड ज्वाइंट ए कर ले हैं, ए एड ज्वाइंट ए, चलो वैल्यू रख लेते हैं भैया यहाँ पर, ए क्या है जरा देखना, ये है वन जीरो माइनस वन और क्या है ये थ्री फोर फाइव और क्या है जीरो माइनस सिक्स और क्या है माइनस के, और यहाँ क्या है जरा बताना, एडजॉइंट ए कितना आया टू सिक्स फोर, टू सिक्स फोर, ट्वेंटी वन माइनस सेवन और माइनस एट है, ओके ये है माइनस एटीन, सिक्स है और क्या है फोर, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या जाए मल्टीप्लाई, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता ही है, पहला रो उठाएंगे कॉलम के थ्रू इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं अपना, तो वन को टू से करेंगे टू होगा, जीरो को ट्वेंटी वन से करेंगे जीरो, माइनस वन को माइनस एटीन से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन को प्लस एटीन आएगा, चलो दूसरा कॉलम उठाओ, वन को सिक्स में करेंगे क्या आएगा सिक्स, जीरो को माइनस सेवन में करेंगे जीरो, माइनस वन को सिक्स में करेंगे माइनस सिक्स, ठीक है चलो अगले में आ जाओ, वन को फोर में करेंगे फोर, जीरो को माइनस एट में करेंगे जीरो, माइनस वन को फोर में करेंगे माइनस के फोर, क्लियर है दोस्त, सेकेंड रो को उठाओ अब यहाँ से, थ्री को हाँ पहले टू में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा सिक्स, फोर को ट्वेंटी वन में करेंगे प्लस का एट्टी एट्टी फोर, फाइव को इसमें करेंगे कितना होगा, हाँ माइनस नाइन्टी आ जाएगा ना, ये नाइन्टी है ठीक है डन, नाइन्टी है दोस्त क्लियर करने, ये हो गया ना। अब आ जाओ दूसरा कॉलम उठाओ, थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एटीन, फोर को माइनस सेवन से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के ट्वेंटी एट, फाइव को सिक्स से करेंगे क्या आ जाएगा थर्टी, और यहाँ करो थर्ड कॉलम में थ्री को फोर से करेंगे थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, फिर
फोर को फिर माइनस एट से करेंगे माइनस 32, प्लस 5 को 4 से करेंगे क्या जाएगा 20। देखो अब उठाओ तीसरा रो, 0 माइनस 6 को अगर 21 में करेंगे माइनस के 126, माइनस 7 को प्लस 126 आएगा, ये 0 को 6 में करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 6 को माइनस 7 में करेंगे प्लस के 42 आएगा, 42 है ये, माइनस 7 को 6 में करेंगे तो माइनस के 42 आएगा, 0 को 4 में करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 6 को माइनस 8 में करेंगे प्लस 48 आएगा, माइनस 7 को माइनस माइनस 7 को प्लस 4 में करेंगे तो प्लस 28 आएगा, माइनस 28 आएगा, माइनस 28 आएगा ना, माइनस 28। अब सॉल्व करो, देखो क्या क्या कैंसिल, यहाँ सॉल्व करोगे ऊपर ये क्या आ गया 20 आ गया, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये 0 है 20, ये भी क्या आएगा 0, यहाँ भी क्या आ गया 0, यहाँ भी आएगा क्या 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 20, यही नहीं प्रूफ हो गया RHS का, ठीक है कोई भी मल्टीप्लाई कर देना, बस कैलकुलेशन है इसमें, स्टेप्स हैं बाकी कुछ दम थोड़ी है, क्वेश्चन ईजी है, प्रोसीजर समझ में आ गया, आसान सा है ना, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो प्लस माइनस का, नहीं कोई ना कोई एलिमेंट इधर उधर तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक बात, और कोई डाउट है, डन, इसमें भी कुछ डाउट है क्या, पहला ही इसमें दिया है, ए दिया है ए आई जी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए आई जी इक्वल टू 1 दिया है, 0 दिया है व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू दिस, तो मैट्रिक्स क्या होगा, देखो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है आप इसे कर लेते हैं, आसान से क्वेश्चन है। अब इसमें दिया है क्वेश्चन तुम्हारा, ए दिया है ए में कुछ ए आई जे टाइप के एलिमेंट है और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, सिंपल सी चीज़ दिया है, जरा देखना ए आई जे को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ए आई जे इक्वल टू इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये 1 होगा 0, 1 कब होगा जब i डज नॉट इक्वल टू क्या है j है, 0 कब होगा जब i इक्वल टू क्या होगा j होगा, ये दिया है ना, देन i इक्वल टू j दिया है ये, देन a स्क्वायर इज, अब a स्क्वायर क्या होगा ये हमें बताना, देन व्हाट इज a स्क्वायर क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा, पहले तो a मैट्रिक्स निकाल लें हम, a मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ, एक हाँ देखो भैया मैट्रिक्स ए का मतलब क्या होगा, 2x2 का है, ए वन वन ए वन टू ए टू वन, अब जो कंडीशन दिया है इसको नोटिस करो, कंडीशन में क्या दिया है तुम्हें, कह रहा है कि जब आई जे को इक्वल होगा मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा तब 0 होगा, जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा 1, पहली वाली कंडीशन में देखो इक्वल है कि नहीं, इक्वल है तो क्या आएगा ए वन वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्त 0 आ जाएगा, दूसरा कंडीशन में इक्वल नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसमें देखो इक्वल नहीं है ना क्या आ जाएगा 1, यहाँ इक्वल है तो क्या आ जाएगा 0, तो मैट्रिक्स ए हमारा ये है, अब हमसे कह रहा है ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ए इंटू ए हो गया, ए इंटू ए का मतलब क्या है यही 0 1 1 0 और क्या है 0 1 1 0 आएगा, यही देख लेना मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा जरा देखना, 0 से 0 1 0 प्लस 0 वहां करेंगे 0 0 अरे वाह जी, फिर क्या आया देखो 1 0 ये आ गया हमारा, ऊपर निकालना था ये ना, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट और अभी है, बस ये बस अपनी कैलकुलेशन और जो कुछ पढ़ा है उसको यूज करना सीखो, इम्प्लीमेंटेशन और कुछ, डन ठीक है ना, ठीक है फिर।